हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे वॉर्नोई पैटर्न। पिछले क्लास में हमने किया था वॉर्नोई डायग्राम, ये वाला क्लास में हम लोग करेंगे वॉर्नोई पैटर्न। ओके, सो आई गो टू इंकस्केप, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और मैं पूरा पेज में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, आई रिमूव दिस फिल कलर, यहाँ पे मैंने क्लोज करके फिल कलर रिमूव कर लिया। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग जाएंगे गो टू एक्सटेंशन। ओके, सो हियर आई विल गो टू जनरेट फ्रॉम पाथ वॉर्नोई पैटर्न। ओके, यहाँ पे मैं 50 यूज करता हूँ, 2 क्लिक ऑन लाइव प्रीव्यू। अगर आपको लग रहा है ये ठीक है तो अप्लाई क्लोज कीजिए, नहीं तो यू कैन चेंज दिस एवरेज सेल्स, इसको बढ़ा सकते हैं, इसको मैं 75 कर सकता हूँ। प्रेस टैब तो देखिए प्रीव्यू चेंज हो जाएगा। ओके, मान लीजिए मुझे ऐसे रखना है, क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन क्लोज, ये हो गया। इसको सिलेक्शन को डिसिलेक्ट नहीं करेंगे, लेट इट बी सिलेक्टेड। यू गो टू ऑब्जेक्ट, गो टू पैटर्न, क्लिक ऑन पैटर्न टू ऑब्जेक्ट्स, ये पैटर्न को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट्स बना देगा। क्लिक ऑन पैटर्न टू ऑब्जेक्ट्स, ये है नंबर वन। अभी भी आप इसको डिसिलेक्ट नहीं करेंगे, ओके, इट इज सिलेक्टेड, सिलेक्टेड ही रहने देंगे। यू विल गो टू पाथ हियर, ओके, सो यहाँ पाथ में आप जाएंगे, देन यू विल क्लिक ऑन कंबाइन। ओके, सो आई क्लिक ऑन कंबाइन हियर। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, यू विल गो टू सिलेक्शन। ओके, इसको बाहर क्लिक कर देंगे लाइक दिस। इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ये दोनों शेप एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। आई विल गो टू पाथ, देन आई विल क्लिक ऑन डिविजन। ओके, यहाँ पे देखिए ये सारा शेप अलग अलग हो गया। सो नाउ क्लिक ऑन एनी डमी कलर, इसको कोई भी एक कलर में फिलअप कर देंगे, सिलेक्टेड रखेंगे, ठीक है। सो नाउ आई विल गो टू दिस ऑप्शन कॉल्ड ट्विक, यहाँ ट्विक का ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, पेंट द टूल कलर अपॉन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे देखिए फिल कलर ब्लू दिया हुआ है, इसके ऊपर देखिए मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ, अभी मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया बैकग्राउंड टाइप का डिजाइन मैं बना पा रहा हूँ लाइक दिस। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ अदर टाइप ऑफ कलर्स एंड ऑल। ओके, तो ये टाइप का आपको मिलेगा लाइक दिस। कभी कभी हमको लगता है कि ये लाइन नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, सो आई सिलेक्ट एवरीथिंग, इसको राइट क्लिक करके इसका स्ट्रोक रिमूव कर देते हैं, सेट स्ट्रोक। ये देखिए इस टाइप का डिजाइन भी बैकग्राउंड में अच्छा लगता है लाइक दिस। ओके, सो यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन ऑल्सो। ओके, सो कितना देखिए कितना आसानी से, कितना जल्दी से मैंने एक बैकग्राउंड का कंपोजिंग डिज़ाइन अपने तरीके से बना लिया। ओके, सो इसको ध्यान से देखिए, ईच एंड एवरी स्टेप इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सिलेक्शन एक भी जगह पे इधर उधर हो जाएगा तो ये नहीं बनेगा। ओके, सो ये वीडियो 3-4 बार देखिए, जहाँ पे गलती हो रहा है, सो आपका फाइनल आउटपुट इस तरीके का आना चाहिए। थैंक यू।